नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस डिश बेसन के गट्टे। इसके लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है, इसे एक बाउल में डाल लेंगे। साथ ही लिया है तेल, 3 से 4 चम्मच है ये, इसको इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ रिफाइंड का तेल लिया है, साथ ही लिए थोड़ी सी हींग, ये हमने लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही लिए ये धनिया, इसको हमने 2 टुकड़ों में इस तरह से कूट कर कर लिया है, 1/2 चम्मच है, 1/2 चम्मच सौंफ है, इसको मिक्स कर लेंगे तेल के अंदर अच्छी तरह। इससे हमारे गट्टे सॉफ्ट बनेंगे। तेल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसी में डालेंगे हम नमक। नमक हमने 1 चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसे हम दही डालकर अच्छी तरह गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा दही ऐड करेंगे हम इसमें। हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर साफ कर लेंगे चारों तरफ से, तेल से ये हट जाएगा। तेल लगाने से ये हाथों और बर्तन में चिपकेगा नहीं। बेसन हमारा अच्छी तरह गुद चुका है, इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे हम। और पानी को हमने पहले से ही बॉईल करने के लिए चढ़ा रखा है। पानी को अच्छा बॉईल कर लेंगे जब तक हम गट्टे बना लेते हैं। गट्टों को हमने इस तरह से बेल लिया है, इसको बीच में से कट कर देंगे। इसे हम पानी में डाल देंगे। इसी प्रकार हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। गट्टे का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अच्छा, गट्टे हमारे बॉईल हो चुके हैं, गैस को बंद कर देंगे। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इनको कट कर लेंगे। सभी को हमने इस तरह से कट कर लिया है। ये जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे यूज में लेंगे। गैस को ऑन कर लेंगे, इस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, ये बड़ी चम्मच है। ये हमने सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। ये 8 से 10 कड़ी पत्ते लिए हमने। इसी में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा हमारा तड़क चुका है। ये हमने 3 प्याज लिए हैं जिसका पेस्ट बनाया है। ये मीडियम साइज के प्याज हैं। प्याज को अच्छी तरह पका लेंगे। प्याज पक चुका है, इसी में डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी। ये थोड़ी सी ली है हमने, इसको इस तरह से करके डाल देंगे इसमें। साथ ही डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 से 1.5 चम्मच लिया है। इसे अच्छी तरह पका लेंगे 5 मिनट के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लिए लाल मिर्च। इसी में डाल देंगे हम टमाटर, ये 2 टमाटर लिए हैं हमने मीडियम साइज के। इसे थोड़ा पका लेंगे 5 मिनट के लिए। लगभग 5 मिनट हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर और पका लेंगे अच्छी तरह से। मसाला पक चुका है, इसी में डालेंगे हम दही, ये 300 ग्राम लिया है। इसे अच्छी तरह फेट कर लिया है।
दही को हम चलाते रहेंगे, वरना हमारा दही फट भी सकता है। जब तक दही अच्छी तरह मसालों में मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। दही में बॉईल आ गया है, इसी में डाल देंगे हम 1/4 चम्मच काली मिर्च, साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। दही को थोड़ी देर और पका लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। दही अच्छी तरह पक चुका है, इसी में डाल देंगे गट्टे। दही को गट्टों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर मसालों में, और साथ ही ये जो पानी हमने बचाया था गट्टों का इसी में डाल देंगे, और इसे थोड़ा 4 से 5 बॉयल आने तक चलाएंगे। लगभग हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस को ऑन करेंगे, ये 1 छोटा चम्मच लिया है घी, इसे गरम कर लेंगे। घी लगभग गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई, राई को तड़का लेंगे थोड़ा, साथ ही डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्ची लिए, इस तरह से हमने इसे चॉप किया है। तड़के को इसमें डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। सब्जी बन चुकी है हमारी, इसी में डाल देंगे धनिया, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट गट्टे बने हैं हमारे। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इसे घर पर ट्राई करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।